गूंगी बहू अंधी सास। एक परिवार में पांच लोग थे। ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सुमित्रा, बहू भावना, बेटा राहुल और एक थी उनकी बेटी प्रियंका। वैसे तो ओम प्रकाश और सुमित्रा के घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुमित्रा की एक आदत थी, घर में कुछ भी गलत या सही हो तो वो किसी से कुछ नहीं कहती। और भावना स्वभाव की इतनी सीधी सादी थी कि अगर कोई उसके साथ गलत भी करता तो भी वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसी के चलते प्रियंका और राहुल घर में मनमानी चलाते रहते, क्योंकि घर को संभालने वाली औरतें इस तरह से रहती थी जैसे वो गूंगी और अंधी हो। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जाओ। और मुझे आने में रात हो जाएगी, देर से ही आऊंगी मैं। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। भावना, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? नाश्ते में फिर से पराठे बना के रख दिए। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे लिए ढंग का नाश्ता बनाया करो। ठीक है जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे ये बहू से किस तरह से बात कर रहे हो तुम राहुल? अरे तो और क्या करूं पापा, इसको कही बात एक बार में समझ में ही नहीं आती। सुमित्रा, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? बहू से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे जिसकी जैसी मर्जी आए करो, मुझे क्या। भावना बेटा, तुम भी तो कभी कुछ कहा करो, इस तरह क्यों सबकी बातें सुनती रहती हो? कोई बात नहीं पापा जी, सब ठीक है। रात को काफी देर तक प्रियंका घर नहीं आती, और जब वापस लौट कर आती है तो एक लड़की के साथ बाइक पर बैठकर। सुमित्रा और भावना दोनों ही प्रियंका को लड़की के साथ देख लेते हैं। आज तो जोर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं डर क्यों रही हूँ? माँ तो सब कुछ देख कर भी अंधी बनी रहती है। और रही बात भाभी की, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली। कहने को भगवान ने आवाज दी है, लेकिन गूंगी है गूंगी। अरे प्रियंका बेटा, इतनी रात को कॉलेज से लौट कर आ रही हो, कहाँ गई थी तुम? पापा वो सहेली के घर पर थी, पढ़ाई करने के लिए रुक गई थी। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सुमित्रा ने अपनी बेटी को एक लड़की के साथ इतनी रात को आते देख कर भी उससे कुछ नहीं कहा, और भावना ने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद मामा जी का फोन आया था, उन्होंने प्रियंका के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है, लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं करनी शादी वादी, किसी लड़की को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो प्रियंका बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। पापा अब जिद क्यों कर रहे हैं, और आप क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं? अरे माँ इसको समझाइए ना, आपकी बेटी आप तो बस चुपचाप सब कुछ होते हुए भी देखती रहती हैं। अरे तो क्या कहूँ, और मेरे कहने से क्या हो जाएगा, वैसे भी गलत क्या हो रहा है, सब कुछ सही तो है। भावना बहू देखो तो, प्रियंका हमारी बात नहीं समझेगी, लेकिन वो तुम्हारी हम उम्र है, क्या पता तुम्हारे कहने से उसे कुछ समझ में आ जाए। नहीं पापा जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रियंका को कैसे समझा सकती हूँ, वो ननद है मेरी, कहीं मेरी किसी बात का बुरा मान गई तो। सुमित्रा और भावना में से कोई भी प्रियंका को कुछ नहीं समझाता। इस बात से राहुल और ओम प्रकाश जी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और फिर जब लड़का प्रियंका को देखने के लिए आता है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। अरे तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? माफ कर दो बेटा, वो हमारी बेटी जरा गुस्से में है, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, देखिए आप नाराज मत होइए, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। अरे कोई ऐसे ही कुछ कहता है क्या? और ये आपकी पत्नी और माँ, ये दोनों इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं, जैसे इस घर के मेंबर ही ना हो। आपके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है बेटा, सुमित्रा समझाओ ना अपनी बेटी को। अरे क्या समझाऊं, क्या होगा समझाने से, सब ठीक ही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। भावना, प्रियंका को अंदर लेकर जाओ और उससे समझाओ कि कितना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा लड़का है, इस तरह से बिहेव ना करे। नहीं नहीं जी, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती जी। अरे अजीब परिवार है, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस तरह से तो आपकी बेटी की शादी किसी से नहीं हो सकती, जिसके घर की औरतें गूंगी और अंधी बनकर बैठ जाए
उस घर का कुछ नहीं हो सकता। ओम प्रकाश और राहुल सुमित्रा और भावना की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। पापा, समझ में नहीं आता कि भावना और माँ को कैसे समझाया जाए। सही कहते हो बेटा, तुम और मैं काम के सिलसिले में सारा दिन घर के बाहर रहते हैं और घर की दोनों औरतें जिन्हें सारा घर संभालना चाहिए गूंगी और अंधी बनकर बैठी हैं। पापा आप ही बताइए इसका क्या उपाय है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बेटा, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि इन सब की वजह से प्रियंका बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तुमने देखा उसे किस तरह से बिहेव किया था। अरे लेकिन पापा हम करेंगे क्या। हमें एक नाटक करना होगा। कुछ दिनों के लिए हम भी गूंगे और बहरे बन जाते हैं, उसके बाद इन दोनों औरतों को अकल आएगी। हाँ पापा, शायद आपकी बात ठीक है। हम दोनों हर बार बात को संभाल लेते हैं और इसी वजह से माँ और भावना कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं करते। और फिर अगले दिन, भावना नाश्ते में क्या बनाया है। जी पराठे बनाए हैं। मेरे लिए पोहा बना दो। अच्छा जी ठीक है, अभी बना देती हूँ जी। बहू नाश्ते में क्या बनाया है। पापा जी पराठे हैं और पोहे बन रहे हैं। अरे बहू, मुझे तो उपमा खाने का मन था, मेरे लिए उपमा बना दो। ठीक है पापा जी, अभी बना देती हूँ। भाभी जल्दी से जरा मेरा कॉलेज का टिफिन तो पैक कर देना। और सुनो, मुझे ना भिंडी की सब्जी खाने का मन है। सुमित्रा चुपचाप बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा और ये देखकर भावना को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसे लग रहा था कि ओम प्रकाश जी जो हमेशा उसके साइड लेते थे वो भी आज चुपचाप बैठे हुए थे। शाम के वक्त प्रियंका अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर घर आती है और उधर दूसरी तरफ से राहुल भी अपने ऑफिस के दोस्तों को लेकर घर आ जाता है। प्रियंका अपने कमरे में तेज म्यूजिक चलाकर डांस करती है और राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। प्रियंका और राहुल मिलकर पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, लेकिन भावना उनसे कोई शिकायत नहीं करती और सुमित्रा जी भी चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर रात को ओम प्रकाश और राहुल एक दूसरे से बातें करते हैं। पापा, हमने इतना कुछ किया फिर भी भावना कुछ बोलती ही नहीं और माँ भी कुछ गलत करने से किसी को रोकती ही नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, इन दोनों के अंदर का गुस्सा भर रहा है और बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। अगले दिन, अरे बहू, ये कपड़े धुले हैं या गंदे हैं? पापा जी, कपड़े तो मैंने धोकर ही आपकी अलमारी में रखे थे। मुझे तो साफ नहीं लग रहे, एक बार और धो देना। प्रियंका, मैं सोच रहा था कि तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है ना। मत करो, एक काम करो, वैसे भी क्या रखा है शादी वादी में, तुम्हें जो लड़का पसंद है उसके साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। इस बार ओम प्रकाश और राहुल की बात सुनकर भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा जाग उठता है। मैं किसी से कुछ कहती नहीं जी, इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे परेशान करती ही रहेंगे। कल चार चार बार मुझसे नाश्ता बनवाया, आज पापा जी मुझसे धुले हुए कपड़ों को बार बार धुलवा रहे हैं। अरे मैं इंसान हूँ जी, कोई मशीन नहीं हूँ। तुम दोनों ने मिलकर इस घर की कैसी हालत बना दी है और अपनी बहन को भाग कर शादी करने के लिए कह रहे हो, तुम भाई हो या दुश्मन। ओम प्रकाश और राहुल जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं जी, तुम लोगों को ऐसी हरकत करने के बाद भी हंसी आ रही है, ये क्या कर रहे हैं जी आप दोनों। यही तो हम चाहते थे कि सुमित्रा तुम अंधी होकर ना बैठी रहो, घर में कुछ भी गलत हो तो उसे रोकने की कोशिश करो। और भावना, तुम अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार पर भी कभी मुंह नहीं खोलती, ये सही बात नहीं है। मैं चाहता था कि तुम्हारी भी जुबान खुले, तुम गलत बात का विरोध करो। गूंगी बहू और अंधी सास की ये जोड़ी इस घर में अब नहीं चलेगी।